तो हम आ चुके हैं हमारे WCC3 के हॉट इवेंट्स के इंडियन T20 टूर्नामेंट 2021 की सीरीज में, और आज का जो मैच है वो रहने वाला है मुंबई वर्सेस कोलकाता का। और शुरुआत करते हैं यहाँ पर इस मैच की, मुंबई की टीम चूज करके हम खेलेंगे इस मैच को। अब यहाँ पर फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा रहने वाला है ये आज का मैच। और वैसे एक चीज़ तो बिल्कुल यहाँ पर तय है कि ये मैच कमाल का ही रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही टीमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और स्टेडियम है चेन्नई का, और चेन्नई के स्टेडियम में मुंबई वर्सेस कोलकाता का मैच। और आज तो फिलहाल हमने टेल्स चूज़ किया है, पिछले काफ़ी मैचेस से हेड्स ही चूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने टेल्स चूज़ किया और बॉलिंग का फैसला किया हमने, क्योंकि टॉस जो है वो हम जीत चुके हैं। और वैसे एक चीज़ हम और कहना चाहेंगे कि पिछले तीन मैचेस से लगा तीन या चार पांच ऐसे कुछ मैचेस हैं जिसमें हम लगातार हेड्स चूज़ करते आ रहे हैं, और आज हमें लगा कि फॉर अ चेंज थोड़ा सा आज टेल्स चूज़ करके देखा जाए, तो वो फैसला भी हमारा सही ही निकला। खैर, यहाँ पर अब फिलहाल कोलकाता की टीम की तरफ से दोनों ओपनर्स आ चुके हैं, और ये दोनों ही ओपनर्स राइट हैंड बैट्समैन यहाँ पर मौजूद हैं। और फिलहाल जो बॉलिंग करने के लिए आए हैं वो राइट आर्म फास्ट बॉलर, और क्या कमाल के फास्ट बॉलर हैं ये। अब यहाँ पर फिलहाल समय हो चुका है एक 20 ओवर्स का ऑटो प्ले करने का, तो उस ऑटो प्ले के बाद देखते हैं कितना स्कोर निकल कर के आता है। और 172 रन बना दिए हैं कोलकाता की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर, और जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद थे बैट्समैन वो तो खैर 0 रन बना करके गए। और थर्ड नंबर पे एक बैट्समैन आए थे, 62 रन बनाए उन्होंने, जो कि कैप्टन है कोलकाता की टीम के। और अगर हम बॉलिंग की बात करें तो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर एक हैं, उन्होंने 3 विकेट लिए हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। अब समय हो चुका है कि हम चेज़ की शुरुआत करें और इस मैच को जीतें यहाँ पर। और जिन्होंने 3 विकेट लिए थे उन्हीं को हम स्ट्राइकर एंड पर हमने रखा है, और एज एन ओपनर हम उनको लेकर के आए हैं, और उनका साथ देने के लिए उनके टीम के कप्तान यहाँ पर मौजूद है। और एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि टीम के कप्तान कैसा भी खेलें पर आज वो 3 विकेट लिए हैं, तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि वो कुछ बैटिंग भी कमाल की कर जाए। फिलहाल यहाँ पर लॉफ्टेड शॉट और टाइमिंग गुड है, और बिल्कुल मिलेगा एक चौका, और चौके के साथ शुरुआत की है इन्होंने, तो हमें लग रहा है कि शायद आज ये कुछ कमाल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर पहली बॉल पर चौका ले लिया है, दूसरी ये बॉल है, और ऑन ड्राइव यहां पर लगाया जा सकता है क्योंकि गैप वहां पर अच्छा खासा मौजूद है, और बिल्कुल यहां पर लगाया है एक और चौका। और इस चौके के साथ लगातार 2 चौके अभी तक के लग चुके हैं, 8 रन आ चुके हैं इस ओवर में, और हम बिल्कुल चाहेंगे कि ये ओवर जैसा अभी तक के गया है आगे भी ऐसा ही जाए। फिलहाल तीसरी ये बॉल है, स्लॉट में है और लेट टाइमिंग के साथ फील्डर को पार करेगी, और बिल्कुल यहाँ पर पार किया, और इस चौके के साथ लगातार 3 चौके लग चुके हैं अभी तक के इस ओवर में, और 3 बॉल अभी भी बची हुई हैं। और दर्शक ये बिल्कुल देखना चाहेंगे, और वैसे तो हम भी देखना चाहेंगे कि क्या बची हुई 3 बॉल पर और 3 चौके लग सकते हैं। आगे आने वाले बैट्समैन आप देख चुके हैं, फिलहाल जो स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है वो ही कमाल कर रहा है, तो स्ट्राइकर एंड पर जो बैट्समैन है वो अब फिलहाल वापस से स्ट्राइकर एंड पर आएंगे, क्योंकि एक डबल आसानी के साथ मिल चुका है उनको। और अब यहाँ पर हम सिर्फ एक सिंगल लेना चाहेंगे इस बॉल पर, और आखिरी बॉल खेलने के लिए हम हमारे टीम के कैप्टन को लेकर आना चाहेंगे, और कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक डबल ही लेंगे। अगर फील्ड वैसी लगी कि हाँ यहाँ पर चौका या छक्का लग सकता है तो लगाने को देखेंगे, और बिल्कुल यहाँ पर सिर्फ एक डबल ही मिल सकता है तो वो ही करने की कोशिश करेंगे। पीछे की तरफ खेला ये शॉट, और अर्ली नाइस ट्राई है टाइमिंग, और बिल्कुल यहाँ पर एक डबल मिलेगा, और इस डबल के साथ इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 17 रन आए इस ओवर में, और अच्छा गया ये ओवर, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हम नहीं कह सकते, क्योंकि 20-25 रन बने तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा कह सकते हैं, पर एक बड़ा ओवर तो हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि 17 रन आए इस ओवर में तो ठीक तो था ये। अभी फ़िलहाल समय हो चुका है एक 5 ओवर्स का ऑटो प्ले करने का, और ऑटो प्ले के बाद हम देखेंगे कि क्या कुछ स्कोर निकल कर के आता है हमारी टीम का। तो फिलहाल अब किया जाए एक 5 ओवर्स का ऑटो प्ले, और बिल्कुल अब 5 ओवर्स के ऑटो प्ले के बाद स्कोर कितना होता है वो हम देखेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किसी का विकेट ना गिर जाए। और यहाँ पर 5 ओवर्स हो चुके हैं और विकेट जा चुका है तीसरे ओवर में, और हमारे टीम के कैप्टन का विकेट जा चुका है, 6 बॉल में 9 रन बना करके गए वो, और एक छक्का लगा करके गए, तो ठीक है।
फिलहाल अभी जो मौजूद हैं दोनों बैट्समैन उन्हीं के साथ हम कुछ कमाल करने की कोशिश करेंगे। और अभी जो स्ट्राइकर रन पर मौजूद हैं वो अभी आए हैं और 15 बॉल में 30 रन बना दिए उन्होंने और यहाँ पर एक छक्का लगाया है और इस छक्के के साथ 16 बॉल में 36 रन। और क्या कमाल की वो बैटिंग कर रहे हैं। और वो इस वजह से हमें मतलब हमने कहा कि कमाल की वो बैटिंग कर रहे हैं, हाँ हमने देखा नहीं अभी तक कि उनका मतलब ये जो 30 या 36 रन की इनिंग्स है, यहाँ पर एक डबल उन्होंने लिया बीच में और इस डबल के बाद यहाँ पर एक और डबल मिल चुका है और 40 रन पर वो पहुँच चुके हैं। और मिड विकेट के रीजन में यहाँ पर वैसे ये गुड लेंथ की बॉल है तो मिड विकेट के रीजन में एक और छक्का तो नहीं पर चौका मिलेगा। और हम ये कहने वाले थे कि एक और छक्का लगाया जा सकता है पर ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर एक बाउंड्री मिली वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। 44 रन पर पहुँच चुके हैं ये बैट्समैन और सिर्फ 6 रन दूर हैं वो अपने अर्धशतक से। पीछे की तरफ शॉट खेलने की कोशिश और बहुत ज़्यादा टाइमिंग लेट है और बिल्कुल यहाँ पर विकेट जा चुका है। 20 बॉल्स में 44 रन बनाकर अब वापस जाना पड़ेगा इन्हें। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बहुत तेज़ी के साथ बैटिंग कर रहे थे पर ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर एक अच्छी इनिंग्स खेल करके वो गए हैं। 220 के स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल करके गए हैं। और अब हम उस बैट्समैन को लेकर के आएँ जो लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा नीचे थे पर वो बैट्समैन है और काफ़ी अच्छे बैट्समैन है, तो हमने ये सोचा कि बिल्कुल अब उनको लेकर के आया जाए और देखा जाए कि वो कैसी बैटिंग करते हैं। फिलहाल बॉल की लाइन में हम आए और पीछे की तरफ शॉट खेलने की कोशिश और ये टाइमिंग कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हाँ अर्ली नाइस ट्राई टाइमिंग थी तो एक ठीक ठाक टाइमिंग थी पर जितनी तेज़ी के साथ ये बॉल निकली ना वो तो खैर कमाल का ही था। 15 बॉल पर 21 रन पर खेल रहे हैं ये जो ओपनर आए थे हमारी टीम के जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे और 3 विकेट लिए थे जिन्होंने। तो हम ये बिल्कुल चाहेंगे कि अभी 5 ओवर्स का हम जो ऑटो प्ले करेंगे तो उस ऑटो प्ले के बाद वो मौजूद रहें। 94 रन यहाँ से चाहिए हमारी टीम को जीत के लिए और फिलहाल यहाँ पर हमने कर दिया एक ऑटो प्ले और ऑटो प्ले के बाद 115 रन का स्कोर हो चुका है हमारी टीम का और 2 विकेट जा चुके हैं। एक विकेट जो कि रोहित शर्मा का गया था और उनके बाद फिर एक विकेट जो कि उस बैट्समैन का गया था जो कि कमाल की बैटिंग कर रहे थे। फिलहाल यहाँ पर 58 रन ही चाहिए जीत के लिए तो हम एक और ऑटो प्ले करेंगे और वो इस वजह से क्योंकि हम फिर थोड़ा मैच मतलब एक ओवर खेलते उसमें पूरे रन तो बना नहीं पाते, कुछ 15-20 रन बनाते और बाकी जब ऑटो प्ले करते तो मैच जो है वो ऑटो प्ले में ख़त्म हो जाता। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना अभी ये एक ओवर का ऑटो प्ले किया जाए और जो बचे हुए रन्स हैं वो बना करके मैच ख़त्म किया जाए। यहाँ पर कमाल का शॉट खेला इस बैट्समैन ने और टाइमिंग लेट है पर मिला है एक चौका। और जब ये आए थे तो हमने यही कहा था कि ये लिस्ट में काफ़ी नीचे मौजूद थे, काफ़ी अच्छे ये बैट्समैन हैं तो हमने इन्हीं को लेकर क्या देखते हैं कि ये कैसा खेलते हैं और क्या कमाल का खेले हैं ये, क्योंकि 46 रन इन्होंने बना दिए हैं 38 बॉल्स में और यहाँ पर टाइमिंग परफेक्ट है। अब हेलीकॉप्टर उड़ा है तो लैंड तो स्टैंड्स में ही करेगा और बिल्कुल एक छक्का मिला है और उस छक्के के साथ यहाँ पर अर्धशतक कंप्लीट हो चुका है इस बैट्समैन का और काफ़ी कमाल की ये बैटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर पूरी टीम इस प्रदर्शन का इस इनिंग्स का महत्व जानती है और वो इस वजह से क्योंकि 173 रन का टारगेट है, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है पर इतना छोटा भी नहीं है कि उसको एक बैट्समैन आसानी से खेल जाए। और यहाँ पर अपना प्रदर्शन एक देते हुए और उसके बाद अब विकेट जा चुका है इनका पर ठीक है कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग करके गए हैं ये। और अगर आज हम बैटिंग की बात करें तो एक ये है जो कि 41 बॉल्स में 52 रन बना करके गए हैं, एक वो बैट्समैन थे जो कि 20 बॉल्स में 44 रन बना करके गए थे और वो काफ़ी कमाल का खेले थे। और फिलहाल जो मौजूद है पिच पर वो तो खैर शुरुआत से ही कमाल कर रहे हैं, चाहे बॉलिंग की बात हो जिसमें इन्होंने 3 विकेट ले लिए और उसके बाद या फिर बैटिंग की बात हो जिसमें कि 50 रन पर ये खेल रहे हैं। यहाँ पर एक और हेलीकॉप्टर उड़ा है पर इस बार सिर्फ चौका ही मिलेगा और इस चौके के साथ इस ओवर में अभी तक के 14 रन आ चुके हैं, एक बॉल और अभी बची हुई है, देखते हैं क्या लगता है इस बॉल पर। और फिलहाल यहां पर एक और शायद चौका नहीं मिलेगा और डबल मिलेगा और वैसे हमने फील्डर को देखा नहीं था और इसी वजह से हम कहने वाले थे कि शायद यहां पर चौका मिलेगा पर चौका मिला नहीं। खैर ठीक है, 168 रन तो हमारी टीम अभी तक के बना ही चुकी है, सिर्फ 5 रन दूर हैं हम हमारी जीत से और जीत वैसे बहुत ज़्यादा दूर अब है नहीं,
अगर एक छक्का लग जाए तो एक ही बॉल में काम हो जाएगा, और अगर एक चौका लगे तो एक सिंगल की और ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मिड विकेट के रीजन में शॉट खेलने की कोशिश, टाइमिंग अर्ली है पर कैच नहीं हुआ, और ये तो बॉल आसानी के साथ चौका हो जाएगी और नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा धीमे फील्डर पहुँच जाएंगे। और अब यहाँ पर काफ़ी लेट हमने, मतलब हम रन के लिए दौड़े और एक डबल ही ले पाए हम। वैसे अगर पहले दौड़ गए होते तो शायद वहाँ पर कुछ रन ले जाते, पर यहाँ पर हम चौका लगाएंगे और बिल्कुल लगाया है हमने। और जिस बैट्समैन ने 3 विकेट लिए, जिस बैट्समैन ने शुरुआत की इस टीम के रन की, उसी बैट्समैन ने समाप्ति की है और चौके के साथ ख़त्म किया इस मैच को। और मुंबई की टीम, हमारी टीम 7 विकेट के साथ विजयी रही है। और अब देखना ये होगा कि मैन ऑफ द मैच कौन रहने वाला है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ही रहेंगे। 3 विकेट इन्होंने लिए और 56 रन बनाए इन्होंने।